ज्यादा हो। मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। RC15, राइटर ज्योति कुमारी, एंकर नितिन दहिया। रामचरण वर्सेज टाइगर श्रॉफ। राम ने क्यों सीखा था डांस? राम को मेगा पावर स्टार क्यों कहा जाता है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। RC15 एक पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड होने वाली है जिसमें रामचरण और कियारा आडवाणी लीड रोल करने वाले हैं। साथ ही अंजलि, जयराम, सुनील, श्रीकांत और नवीन चंद्र सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं तिरु और फिल्म को म्यूजिक देने वाले हैं एस थमन। इस फिल्म को बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जैसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा। फिल्म को 180 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा। फिल्म को पैन इंडिया पूरा कवर करने वाली है। जब हम RC15 की बात कर रहे हैं तो आइए RC से जुड़ी कुछ सुनी और अनसुनी बातें हैं जो आपको बताता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के मेगा पावर रामचरण और बॉलीवुड के टाइगर के बारे में। कौन है नंबर वन? टाइगर की एज है 30 और रामचरण की एज है 35। टाइगर की हाइट है 5'9" और वहीं रामचरण की हाइट है 5'5". टाइगर श्रॉफ है एक्टर, डांसर, बॉडी बिल्डर, स्टंट मैन और एक मॉडल। वहीं रामचरण है एक दमदार एक्टर, खतरनाक डांसर, फिल्म प्रोड्यूसर, बॉडी बिल्डर, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और एक हैंडसम मॉडल। टाइगर ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से फिल्म में कदम रखा था। वहीं रामचरण ने 2007 में आई चिरुथा फिल्म से अपना साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। टाइगर की 3 और रामचरण की 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, जिसके लिए रामचरण ने अपने फैंस से सॉरी कहने के लिए एक लेटर भी लिखा था। टाइगर की 3 और रामचरण की 4 फिल्में हिट रही थी। टाइगर 9 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, वहीं रामचरण 15 फिल्में कर चुके हैं। टाइगर की 1 और रामचरण की 3 फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित रही। टाइगर की फीस 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक रहती है। वहीं रामचरण ने अपनी फिल्म RRR के लिए 50 करोड़ चार्ज किए थे। टाइगर की नेटवर्थ 15 मिलियन है और रामचरण की नेटवर्थ 150 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामचरण एक पॉलिटिशियन के रूप में नजर आने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बराक ओबामा कितने फेमस पॉलिटिशियन हैं, उन्हें सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब देखना ये है कि रामचरण अपनी एक्टिंग से और कितना ज्यादा प्यार ला पाते हैं। फिल्म में भी आपको एक पॉलिटिशियन देखने को मिलने वाला है जो लोगों की भलाई करेगा, करप्ट ऑफिसर्स और करप्शन को हमेशा के लिए खत्म करेगा, हमारी कंट्री को एक नया वे देगा। उम्मीद तो यही है कि इस फिल्म को देखने के लिए रियल वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ सुधार हो, लेकिन लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि रामचरण साउथ के एक डिमांडिंग एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म RC15 के लिए 50 करोड़ चार्ज किए हैं। इसी के साथ वो एक सोशल वर्कर भी हैं। रामचरण मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड कैंप्स अनाउंस करते नजर आते रहते हैं। 26 मई 2021 में रामचरण ने अपने फादर के साथ चिरंजीव चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ऑक्सीजन बैंक लॉन्च किया था, जिससे बहुत से लोगों और हॉस्पिटल्स को मदद मिल पाई और लोगों की जान बच पाई। वो हमेशा ही अपनी कंट्री और कंट्रीमैन के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं और यही रीजन है कि उनकी डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी काफी है। इस फिल्म में रामचरण के साथ कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। ये इन दोनों की दूसरी फिल्म होने वाली है। अब देखना ये है कि रामचरण और कियारा आडवाणी एक साथ इस फिल्म को कहां तक ले जा पाते हैं, कितने अवार्ड्स ये फिल्म अपने नाम कर पाती है और ये भी कि ये फिल्म इनकी राइजिंग करियर को कहां तक ले जाती है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म RC15 में पहली बार रामचरण के डबल रोल को देखने के लिए। साथ ही रामचरण पर कहीं ना कहीं एक दबाव बन गया है कि उनकी फिल्म हिट होनी भी चाहिए, क्योंकि RRR ने इतनी सफलता हासिल की तो उनकी अगली फिल्म में भी उन्हें उससे भी ज्यादा दमदार कॉन्सेप्ट, एक्टिंग और एक्शन से उससे भी एक मुकाम दिलाना होगा। फिल्म RC15 और उससे जुड़ी कोई भी न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो होता है यहीं पर एंड और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम एंटरटेन कर पाए होंगे और आपने वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी कर दिया होगा।